तो क्या बनना चाहते थे अब्बू, क्या चाहते थे कि नासिर क्या बने, और नासिर खुद क्या बनना चाहते थे? मैं खुद अगर पर्सनली बात करूं तो मैं फ्लाइट अटेंडेंट से नहीं है, मैं मुझे उसमें इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब उसमें इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा था और जो अबू था वो तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा, वो इन चीज़ों पे हमें, आपको नहीं शौक था पढ़ने का? नहीं, पढ़ने का शौक तो था, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे यानी दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मैं इस तरह है कि कुछ इंसान की नीडेड होती है ना, हाँ। तो मैं चाहता था कि मुझे एकदम से इस तरह मिले कि थोड़ा ज्यादा जो है ना, मैं यानी मतलब कि ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए, हाँ, यही तो मैं, और मैं फेमस हो जाऊं, पॉपुलर हो जाऊं, ये बिल्कुल बिल्कुल फेमस का तो इतना शौक नहीं था, लेकिन फिर वो खुद ब खुद इस तरह हमें जॉब मिली कि वो कॉन्फिडेंस कैसे आया? कॉन्फिडेंस तो आता है ना, जब खानदान में कोई शादियां हो या कोई मिलना जुलना हो तो वहाँ आता है कॉन्फिडेंस के, जो नासिर मजे की बातें करते हैं। बात करूँ तो मैं किससे इंस्पायर तो बिल्कुल नहीं होता, हाँ। मैंने खुद घर में बैठे बैठे मैं यानी जब इंसान कोई क्या है कि वो थका हुआ हारा हा जाता है ना, हाँ। तो मैंने ऐसे मोबाइल निकाला और उस पर मैंने एक वीडियो बनाई और वो मैंने डाल दी सोशल मीडिया। उस वक्त तो खैर मैंने एक टिप्स दी थी ना हेल्थ के हवाले से, अच्छा, कि आप लोगों को पानी ज्यादा पीना चाहिए, इससे जो है ना कलर आपको क्लियर होगा, हाँ। ये है वो ऐसे से ये इस तरह की वीडियो से शुरुआत, हाँ, इस तरह की था। लेकिन कितने साल हो गए आपको सोशल मीडिया? साल तो बहुत ज्यादा हुए क्योंकि फेसबुक जो है नहीं, तो मुझे याद है जिस तरह से फेसबुक मैसेंजर आया, पहले इसमें इतने लोग नहीं थे, हाँ। इसको फिर इससे पहले मैं जो था ज्यादातर और मैसेंजर में यूज करता, याहू, हाँ। और आपको तो मेरे ख्याल में याद होंगे, यानी हाँ, इस तरह MSN है, याहू है। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।